हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अप। आज का वीडियो का जो टॉपिक है आप देखिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021। यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है, जो आपका यूट्यूब को मोनेटाइज तक लेके जाएगा, उसका जो पॉलिसी अपडेट हुआ है सितंबर महीने में, उसके बारे में आज डिटेल्स में आपको बोलूँगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक काम करूँगा, देखिए उसके बारे में बोलता हूँ। आज मैं एक लिस्ट बना के आपको दिखाऊँगा कौन सा चैनल ऑटोमेटिकली वो एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए और कौन सा चैनल मोनेटाइज कभी नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर ही मैं आज का वीडियो में बना रहा हूँ। वीडियो में दो पार्ट होगा, तो दो पार्ट में मैं समझाऊंगा। पहले पार्ट में आपको समझाऊंगा कौन सा चैनल डायरेक्ट एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए और कौन सा चैनल कभी भी लाइफ में मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितना भी सब्सक्राइब कितना भी वॉचिंग कर ले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी, आप अगर यूट्यूबर हो और अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ठीक है ना। तो देखिए आज के वीडियो में दो पार्ट में करूँगा और चैनल का ग्रुप और टाइप्स के ऊपर में करूँगा, कौन सा ग्रुप्स का चैनल इजीली मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है और कौन सा चैनल और कैटेगरी मोनेटाइज कभी नहीं हो पाएगा, उसके बारे में दो पार्ट में मैं आज का वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट पार्ट है कौन सा चैनल डायरेक्टली एलिजिबल है आपका 2022 में मोनेटाइज के लिए और कौन सा चैनल आपका कभी नहीं मोनेटाइज हो पाएगा, ये पार्ट टू है। तो वॉच टिल द एंड। अभी आपको मैं यूट्यूब का जो पॉलिसी है वो कंप्यूटर स्क्रीन क्रोम में जाके मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा, उसके बाद में डिटेल्स में आपको चैनल वाइज ग्रुप वाइज आपको मैं दिखाऊंगा कौन सा चैनल एलिजिबल है कौन सा चैनल एलिजिबल नहीं है। तो प्लीज़ आगे तक वीडियो देखिए और प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलते हैं अभी। तो फ्रेंड, मैं क्रोम में आके यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा पॉलिसी है, बहुत ही डिस्क्राइब करके यहाँ पे पॉलिसी लिखा हुआ है। आप लोग टाइम निकाल के प्लीज़ विजिट कीजिए, प्लीज़ पढ़ लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं इस पूरा लिस्ट को पढ़ के आज जो वीडियो का टॉपिक है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं छोटा सा एक चीज बना के आपको मैं दिखा रहा हूँ आज का वीडियो में, कि आपका जो टाइप ऑफ आपका चैनल है वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, कौन सा टाइप एलिजिबल है कौन सा टाइप एलिजिबल नहीं है। तो डिटेल्स वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको अगर टाइम मिलता है तो पूरा पॉलिसी पढ़ लीजिए, बहुत ही काम का है, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन सा चैनल एलिजिबल है कौन सा चैनल एलिजिबल नहीं है लिस्ट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेट्स गो। तो YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो आपको मैं क्रोम में दिखा रहा था, उसका ही एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। YouTube चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खुल के चेक कर सकते हो। आपको मैं एक मिनट का एक थोड़ा सा सैंपल दिखा दिया कितना बड़ा है, पूरा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो मैं उससे एक चैनल का ग्रुप बनाया हूँ जो मोनेटाइज होगा और एक ग्रुप है जो मोनेटाइज नहीं होगा। तो दो पार्ट में वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए। तो अभी देखिए YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम में आप एलिजिबल होते हो, मिनिमम क्राइटेरिया वो क्या है वो सभी को पता है। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ, 12 महीने में आपको 4000 घंटा पूरा करना है और 1000 सब्सक्राइब लाना है। सब्सक्राइब तो आप कैसे भी ला सकते हो, लेकिन 1000 घंटा पूरा करने में बहुत ही प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो उसके लिए एक वीडियो में बना के रखो चैनल के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखिए, आप इजीली 40 या 50 डेज में आपका चैनल का वॉच टाइम इजीली कर पाओगे अगर आपके पास लैपटॉप है। तो चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2022 में कौन सा टाइप्स का चैनल और ग्रुप्स का चैनल इजीली मोनेटाइज के लिए अवेलेबल है, ये पार्ट वन है। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं आपको एक ग्रुप दिखाऊंगा, उसके बाद में ग्रुप के अंदर क्या क्या चैनल आता है वो मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ग्रुप है आर्ट्स ग्रुप, मतलब आर्ट का जो ग्रुप है वो वाला चैनल इजीली मोनेटाइज
के लिए एलिजिबल है। फिर ग्रुप है गेम, जो गेमर है उसका ग्रुप भी एलिजिबल है। फिर कुकिंग, फिर आपका एंटरटेनमेंट, फिर एडिटिंग, मतलब वीडियो फोटो कुछ भी एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर यूज करके आप एडिट करते हो वो वाला एडिटिंग। हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, हिस्ट्री एंड फैक्ट्स का जो चैनल होता है वो भी एलिजिबल है। फिर स्टोरी ट्रेलर, आप अगर कोई स्टोरी बोलते हो फेसबुक में, यूट्यूब में, या कोई किताब का स्टोरी आप खुद से अपने वॉइस से उसका एक्सप्लेन करते हो, वो वाला चैनल भी एलिजिबल है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इजीली एलिजिबल है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट एंड DIY, ये वाला चैनल भी बहुत ही इजीली आपका मोनेटाइज हो जाएगा। फिर कुछ कुछ चैनल है जो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है लेकिन वो किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, वो चैनल को मैं सेपरेटली एक चैनल का नाम देके शो करूँगा। तो चलिए अभी डिटेल्स में ग्रुप वाइज आपको दिखाते हैं कौन सा चैनल एक ग्रुप में आता है और उसका टाइप्स क्या है। तो चलिए देखते डिटेल्स में, चालू करते हैं फर्स्ट ग्रुप आर्ट्स ग्रुप से। तो ग्रुप आर्ट्स चैनल वन का कैटेगरी में आता है ड्राइंग चैनल। इसमें क्या टाइप्स है, आप लोग स्केचिंग करते हो या कुछ कलर पेंटिंग करते हो या कुछ फाइन आर्ट आप पेंसिल से कुछ पिक्चर बनाते हो, ये वाला चैनल आप लोग जब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो वो वाला चैनल इजीली एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए। हाँ, ये वाला चैनल में आप वॉइस भी दे सकते हो, वॉइस ना भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला चैनल इजीली मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है। तो चलते नेक्स्ट ग्रुप चैनल में, ग्रुप आर्ट्स का ही है चैनल टू, इंटीरियर डिज़ाइन चैनल। मतलब आप कुछ घर का इंटीरियर डिज़ाइन या वॉल पेंटिंग या वॉल में कुछ आर्ट कर रहे हो, वो वाला अगर आप चैनल में वीडियो करके डालते हो तो ये वाला चैनल इजीली आपका एलिजिबल के लिए मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है। फिर है आर्टिस्टिक ग्रुप चैनल थ्री, डिजिटल ड्राइंग चैनल। मतलब आप लोग कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके जैसे ऑटोकैड या रैपिड या स्केच आप कुछ भी ड्राइंग बनाते हो, या आप लोग डिजिटली कोई ड्राइंग बना के आप लोग कुछ ट्यूटोरियल करते हो या कोई प्रेजेंटेशन करते हो किसी को दिखाने के लिए, या आप लोग कोई फ्लोर प्लान करते हो, तो वो वाला चैनल भी एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। अभी चैनल फोर ग्रुप आर्ट्स, क्लॉथ डिज़ाइनिंग चैनल। मतलब कोई भी टी शर्ट या फैशन डिज़ाइन या कुछ भी मतलब ड्रेसिंग का जो डिज़ाइन होता है वो वाला चैनल भी नो डाउट स्टेटस एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। सेम ग्रुप आर्ट्स चैनल फाइव, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल चैनल। मतलब कोई पियानो गिटार फ्लूट से अगर कुछ वीडियो बनाता है उसका ह्यूमन का जो क्रिएटिविटी है वो शो करता है वो वाला वीडियो आप लोग, लेकिन इसमें फेस आपको दिखाना पड़ेगा या आप फेस का जगह आप इंस्ट्रूमेंटल शो करके वो भी कर सकते हो, तो इसमें आपका वो वाला चैनल भी एलिजिबल है मोनेटाइज के लिए। फिर आपका सेम आर्ट्स ग्रुप चैनल सिक्स, इसमें क्या है, हैंडीक्राफ्ट चैनल। हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या आता है, टॉयस बनाता है, कोई मॉडल या थर्मोकॉल डिज़ाइन बना के जो वीडियो अपलोड करते हो आप लोग, कोई आपका क्रिएटिविटी शो करने के लिए आप लोग इसमें वॉइस दे सकते हो, वॉइस ना भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें अगर आपका क्रिएटिविटी शो होगा तो वो वाला मोनेटाइजेशन के लिए परफेक्टली एलिजिबल होता है। चैनल सिक्स वुड वर्किंग चैनल। मतलब आप लोग अगर कोई फर्नीचर या सोफ़ा या वुड का कुछ फर्नीचर बना के उसका वीडियो बना के आप लोग अगर कोई चैनल रन करते हो, उसमें ह्यूमन वॉइस देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो वाला चैनल भी स्टेटस फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबल। अभी है आपका चैनल गेम ग्रुप। गेम ग्रुप में आपका चैनल वन, गेमिंग चैनल। मतलब आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, कुछ गेम लाइव खेल रहे हो, उसमें आपका फेस लाइव दिखा सकते हो या आपका वॉइस भी दे सकते हो या वॉइस ना भी दे सकते हो, नहीं वॉइस देना आपको मैंडेटरी है, ह्यूमन वॉइस देना आपको मैंडेटरी है
सिर्फ गेम खेल के आप रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे दोगे तो उसमें आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन उसमें ह्यूमन वॉइस देके आप कुछ टिप्स देते हो क्या, कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो वो आपका चैनल इजीली एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। फिर गेम ग्रुप में आता है चैनल, गेमिंग चैनल सेम आ गया था। फिर आता है ग्रुप कुकिंग, आपका कुकिंग जो ग्रुप है मतलब कुकिंग चैनल, आप लोग कुछ खाना बना रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, लेकिन उसमें वॉइस मैंडेटरी नहीं है। आप वॉइस दे भी सकते हो, वॉइस ना भी दे सकते हो, आपका फेस शो कर सकते हो, फेस ना भी शो कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप वाइज दिखाना पड़ेगा आप लोग कैसे कुकिंग कर रहे हो, तो वो चैनल भी इजिली मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है। अभी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जो फर्स्ट चैनल आता है वो है आपका मूवी और सिनेमा चैनल, मतलब कोई चैनल में कोई शॉर्ट फिल्म, ड्रामा, मूवी, इंटरव्यू कुछ भी रन हो रहा है और उसमें बहुत सारा लोग एंगेज हो रहा है, उसका वॉच टाइम भी इजीली आ रहा है और सब्सक्राइब भी आ रहा है, तो वो चैनल बहुत ही जल्दी एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। फिर सेम आपका एंटरटेनमेंट ग्रुप चैनल टू, म्यूज़िक चैनल, कोई ओरिजिनल म्यूज़िक, मूवी म्यूज़िक या आपका कोई कवर सॉन्ग ऐसा कुछ आपका चैनल है तो वो भी मोनेटाइजेशन के लिए परफेक्टली एलिजिबल है। फिर आपका है ग्रुप एंटरटेनमेंट चैनल थ्री, डांस चैनल, आप लोग कोई आइटम डांस या ओरिजिनल डांस या कवर डांस या बैकग्राउंड म्यूज़िक देके कोई डांस कर रहा है वो वाला चैनल आपके पास हो तो वो चैनल भी इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर एंटरटेनमेंट ग्रुप में और एक चैनल, चैनल फोर, ब्रॉडकास्ट और इंटरव्यू चैनल, कोई मूवी इंटरव्यू या कोई भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कोई चैनल रन कर रहा है तो वो वाला चैनल भी एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। चैनल फाइव ग्रुप एंटरटेनमेंट एनिमेशन वीडियो चैनल, आप लोग मोबाइल से कोई एनिमेशन बना के कोई ड्रामा या कुछ कॉमेडी दिखा रहे हो या कुछ कार्टून टाइप करके आप शो कर रहे हो, कोई वीडियो रन कर रहे हो, तो वो वाला एनिमेशन चैनल भी आपका एलिजिबल होता है मोनेटाइजेशन के लिए। फिर एंटरटेनमेंट ग्रुप ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है, चैनल सिक्स, रोस्टिंग वीडियो चैनल, आप कुछ फेमस आदमी का रोस्टिंग या कुछ फैक्ट के ऊपर रोस्टिंग कर रहे हो या कुछ आपका चैनल इजीली लोगों के पास आपका वीडियो जा रहा है, रोस्टिंग सभी लोग देखना पसंद करता है, तो वो वाला चैनल भी आपका इजीली मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होता है। फिर एंटरटेनमेंट ग्रुप चैनल सेवन, कॉमेडी चैनल, कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है या प्रैंक कर रहा है, स्टैंड अप कर रहा है तो वो वाला रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड कर रहा है, कॉमेडी या आपका प्रैंक या स्टैंड अप जो शो होता है वो वाला चैनल भी आपका इजीली एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। फिर आपका ग्रुप एडिटिंग चैनल वन, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल चैनल, मतलब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे आप लोग आपका वीडियो एडिट करते हो, क्या इजीली प्रोसेस है, क्या कुछ टिप्स देते हो, तो ये वाला चैनल आपका बहुत ही जल्दी मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें आपको वॉइस दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एलिजिबल हो मोनेटाइजेशन के लिए। ग्रुप एडिटिंग चैनल टू, फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, आप लोग इसमें वॉइस भी दे सकते हो, वॉइस नहीं भी दे सकते हो, आप लोग आपको कोई सॉफ्टवेयर से फोटो एडिट करके उसका क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, कुछ ट्यूटोरियल दे रहे हो, तो वो वाला चैनल भी आपका इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल। एडिटिंग चैनल थ्री, VFX ट्यूटोरियल, आप लोग इसमें वॉइस दे सकते हो, वॉइस नहीं भी दे सकते हो, आप लोग VFX सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हो, VFX कैसे रन करते हो, रेंडर करते हो, ये वाला चैनल अगर आप दिखाते हो तो वो भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। सेम एडिटिंग ग्रुप चैनल फोर, साउंड एडिटिंग और डिज़ाइन चैनल, मतलब कोई सॉफ्टवेयर के माफिक आप लोग ट्यूटोरियल दे सकते हो, वॉइस के साथ एडिटरी है, लेकिन नहीं तो ये तो साउंड चैनल है, नहीं तो ये वाला
मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये वाला चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है विद साउंड योर वॉइस। फिर हिस्ट्री एंड फैक्ट चैनल वन, हिस्ट्री एंड फैक्ट चैनल मतलब इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, कोई इंसिडेंट, कोई माइथोलॉजी, कुछ पुराना फैक्ट को लेकर आप अगर आप लोग आपका कोई चैनल रन कर रहे हो लेकिन उसमें आपका वॉइस देना मैंडेटरी है, तब आप उसका फेस भी नहीं देख सकते, कोई आप वीडियो करके उस आप वॉइस दे के आप समझ सकते हो, तो वाला चैनल भी एलिजिबल है फॉर मोनेटाइजेशन। हिस्ट्री एंड फैक्ट ग्रुप में चैनल टू, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चैनल, इसमें आप कोई भी कॉन्स्पिरेसी टाइप हिस्ट्री या कुछ आपका फैक्ट आप ऐसा टाइप कोई चैनल अगर रन करते हो तो वो कॉन्स्पिरेसी वाला थ्योरी जो चैनल में होगा वो चैनल भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। हिस्ट्री एंड फैक्ट चैनल थ्री, हिस्ट्री पॉडकास्ट चैनल, सेम पहले जो चैनल में बोल रहा था सेम ही चैनल है, थोड़ा इसका नाम अलग है लेकिन ये भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है परफेक्टली। अभी ग्रुप स्टोरी टेलर चैनल वन, पोएट्री चैनल, आप लोग आपका वॉइस से कुछ पोएट्री कर रहे हो या कुछ एनिमेशन के ऊपर आप आपका ह्यूमन वॉइस से कुछ पोएट्री कर रहे हो तो वो चैनल इजीली एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। स्टोरी टेलर चैनल टू, स्टोरी टेलर चैनल, आप लोग कोई स्टोरी आप लोग रन कर रहे हो या ड्रामा टाइप एक वॉइस क्रिएट करके एक वीडियो बना रहे हो तो वो वाला चैनल भी आपका एलिजिबल होता है मोनेटाइज के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल वन, साइंस फैक्ट चैनल, इसमें आप साइंस साइंटिफिकल कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हो या कुछ फेमस डिस्कवरी कर सकते हो तो वाला चैनल भी एलिजिबल होता है मोनेटाइजेशन के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल टू, साइंस एक्सपेरिमेंटल चैनल, इसमें आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल या फेमस डिस्कवरी जो मैं पहले बोला था वही सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट नाम है चैनल का, ये भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप चैनल थ्री, टीवाई साइंस प्रोजेक्ट चैनल, इसमें आप कोई भी मशीन रिपेयरिंग या साइंटिफिक कोई भी आप मशीन बना के आप अगर वीडियो रन कर रहे हो उसमें वॉइस ओवर या वॉइस ओवर ना भी दे सकते हो तो वो वाला चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल एंड डी वाई चैनल, चैनल वन एक्सपेरिमेंटल चैनल, आप कुछ लाइक मेंटो से कोकोला देके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ एक बड़ा सा एरिया में कुछ क्यूब रख के आप उसको गिरा रहे हो, ऐसे एक्सपेरिमेंटल चैनल जो रन होता है उसमें आप वॉइस भी दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाला चैनल परफेक्टली एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। सेम ग्रुप चैनल टू, टी वाई चैनल, ये वाला ग्रुप में क्या आता है, आप घर में बैठे कुछ मशीन बना रहे हो घर का सामान लेके या कुछ मशीन को रिपेयर कर रहे हो, साइकिल रिपेयर कर रहे हो, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हो, ये वाला जो चैनल होता है उसमें वॉइस ओवर भी हो सकता है, वॉइस ओवर नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो चैनल एलिजिबल होता है आपका मोनेटाइजेशन के लिए। सेम ग्रुप चैनल थ्री, मैकेनिकल रिपेयरिंग चैनल, आप लोग कुछ मैकेनिकल गुड्स या कुछ बाइक साइकिल रिपेयर का कुछ चैनल रन कर रहे हो तो वो वाला भी मोनेटाइजेशन के लिए परफेक्टली एलिजिबल होता है। मोटिवेशन चैनल, ये कोई ग्रुप में नहीं आता है लेकिन इसमें आप विथ फेस और वॉइस देखोगे तो परफेक्टली ये आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा, लेकिन कोई क्या करता है कोई वीडियो चुरा के उसमें एक सॉन्ग डाल के मोटिवेशन बोल के छोड़ देता है, वो वाला चैनल कभी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। कोडिंग और प्रोग्राम चैनल, जो कोडिंग ट्यूटोरियल होता है या C++ प्रोग्रामिंग सिखाता है ट्यूटोरियल दिखाता है वो वाला चैनल भी बहुत ही जल्दी मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होता है।
फाइनेंस कंसल्टेंसी चैनल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग म्यूचुअल फंड के ऊपर जो आइडिया देता है एक चैनल रन करके, या कैसे आपका पैसा कहाँ पे रखने से आपका पैसा ज़्यादा म्यूचुअल होगा, ज़्यादा फायदा होगा, ये वाला जो चैनल रन कर रहा है वो वाला चैनल भी परफेक्टली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर जॉब सर्च चैनल, कोई भी चैनल जिसमें आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का हेल्प करते हो विद वॉइस या विदाउट वॉइस, नहीं वॉइस आपको देना पड़ेगा। आप अभी कोई पेपर कटिंग देके वीडियो बनाकर छोड़ दिया, ओवला चैनल कभी मोनेटाइजेशन लेवल पर नहीं होगा, लेकिन आप वॉइस देके उसको समझा दे सकते हो कैसे जॉब पे अप्लाई करना है, कैसे क्या जॉब सर्च करना है, तो ओवला चैनल बहुत ही ईजिली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर एजुकेशन चैनल, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम और वेरियस टाइप ऑफ जीके के ऊपर कोई चैनल रन कर रहा है, उसमें आप लोग वॉइस देके कोई समझा रहे हो, ऐसा नहीं कोई आप एक बुक लेके रीडिंग पढ़ के जा रहे हो, कोई उसमें आपका क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो वाला चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन आप कुछ पढ़ के उसको समझा रहे हो, मतलब एक ऑथर का बुक है आप उसको रीडिंग पढ़ के उसका क्या मतलब है वो डिटेल्स में समझा रहे हो, तब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल होता है। तो मोनेटाइजेशन स्टेटस एलिजिबल। स्पिरिचुअल चैनल मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी धर्म के ऊपर कोई चैनल रन कर रहा है, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या उसका अच्छाई है, क्या इसके ऊपर जो जो वीडियो चैनल रन होता है वो वाला चैनल भी बहुत ही इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। एग्रीकल्चर चैनल, एग्रीकल्चर टिप्स फार्मर को जो चैनल देता है या कुछ एग्रीकल्चर का कुछ शो कर रहा है, एग्रीकल्चर का मतलब टूल्स ट्रैकल कैसे काम करता है, ये वाला चैनल जो वीडियो में होता है वो वाला चैनल भी इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर आता है ब्रॉडकास्ट चैनल, ट्रेंडिंग न्यूज़ म्यूजिक लाइफस्टाइल सेल्फ हेल्पिंग डिफेंस मेडिसिन, इसके ऊपर जो चैनल कोई रन कर रहा है तो वो चैनल भी बहुत ही जल्दी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। इंटरव्यू चैनल, लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स कॉमेडी इवेंट वगैरह वगैरह का जो इंटरव्यू होता है वो वाला चैनल भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। लाइफ हैक चैनल, आप लोग डेली जो लाइफ की चैन या कोई होम का कोई काम जो इजीली इजी टिप्स कर सकते हो, इसमें आप वॉइस भी दे सकते हो, वॉइस नहीं भी दे सकते हो, आप सिंपली उसको ट्रिक दिखा के थोड़ा समझा दिया, तो वो वाला चैनल आपका इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर आता है एस्ट्रोलॉजी चैनल, मतलब डेली हॉरोस्कोप फ्यूचर प्रिडिक्शन, ये वाला चैनल भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। कार्टून चैनल, जो कार्टून फॉर किड्स जो चैनल होता है वो तो बहुत ही जल्दी एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही सब्सक्राइब आ जाता है आप, और वो कुछ उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होता है तो एलिजिबल होता है आपका। फिर आपका मनी मेकिंग चैनल, मतलब फिनेंशियल यूट्यूबिंग मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे मनी अर्न कर क्या जाता है कोई भी ऐप से या कोई भी इन्वेस्ट करके, ये वाला जो चैनल होता है वो भी एलिजिबल होता है आपका मोनेटाइजेशन के लिए। टेक चैनल, कोई भी यूट्यूब के ऊपर या गैजेट रिव्यू या हाउ टू डू ट्यूटोरियल कोई वीडियो में रन हो रहा है तो वो वाला चैनल इजीली आपका मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। फिर आता है फिशिंग चैनल, लाइव फिशिंग या फिश कैचिंग ट्यूटोरियल, इसके ऊपर कोई चैनल है तो वो भी एलिजिबल। तो अभी नेक्स्ट चैनल है न्यूज़ चैनल, आप अगर लाइव न्यूज़ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक फैशन के टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई न्यूज़ चैनल रन कर रहे हो तो वो वाला चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बहुत ही जल्दी एलिजिबल हो सकता है। फिर लाइफस्टाइल चैनल, अब यूथ कंटेंट, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू बी कॉन्फिडेंस, ऐसा टाइप अगर कुछ चैनल रन कर रहे हो तो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है।
फिर अभी जो मैं चैनल आपको मैं दिखाऊंगा या कैटेगरी बोलूंगा वो वाला चैनल आपका कभी भी लाइफ में मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो देखते हैं, ये पार्ट टू है। अभी मैं आपको एक कैटेगरी वाइज बोलूंगा, तो YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी 2021 नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से बहुत सारा पॉइंट है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैटेगरी वाइज आपको मैं अभी बोलूँगा कौन सा कैटेगरी का चैनल एलिजिबल नहीं होगा आपका मोनेटाइजेशन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट में। कैटेगरी वन, लो वॉइस और मिनिमल वॉइस। जो जो चैनल में आपका बहुत ही कम वॉइस होता है या वॉइस होता ही नहीं है, सिर्फ स्लाइड शो करके, जैसे मैं आपको स्लाइड शो करके अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें अगर मैं कोई वॉइस ना देके इसको सिंपली छोड़ देता तो मेरा ये चैनल कभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिया, मैं स्लाइड शो करके आपको वीडियो कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें वॉइस दे रहा हूँ, मैं इस स्लाइड खुद बना के आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वॉइस देके, तो मेरा ये चैनल एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन आप अगर कोई स्लाइड शो करते हो, कोई वॉइस नहीं देते हो, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा, तो मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल। अभी आपका कैटेगरी टू, यूट्यूब शॉर्ट चैनल विथ व्यूज कॉन्टेंट। मतलब कोई कोई क्या करता है, कोई यूट्यूब का वीडियो लेके शॉर्ट क्रिएट करके चैनल रन कर दिया, या कुछ मूवी का क्लिप लेके एक शॉर्ट बना दिया, तो वो वाला चैनल कभी भी जिंदगी में लाइफ में आपका मोनेटाइज नहीं होगा, जितना भी उसमें लाइक्स वॉच टाइम या सब्सक्राइब आ जाए, तो एलिजिबिलिटी नॉट एलिजिबल। कैटेगरी थ्री, कंटेंट रीडिंग चैनल, कंटेंट विथ दे डोंट ओन। मतलब कोई एक ऑथर का बुक आपके स्क्रीन पर शो करके स्लोली रीडिंग पढ़ रहे हो, या रीडिंग नहीं पढ़ के सिर्फ उसको पेपर कटिंग शो कर रहे हो, कोई भी ऑथर का बुक शो कर रहे हो जो आप खुद ओन नहीं करते हो, तो आपका वो चैनल कभी भी मोनेटाइज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कैटेगरी फोर, वीडियो शॉर्ट चैनल और व्हाट्सएप स्टेटस चैनल। कुछ कुछ चैनल में क्या होता है, व्हाट्सएप का स्टेटस कट कट करके एक वीडियो बना देता है, या टिकटॉक का कुछ स्टेटस बना के शॉर्ट वीडियो बना के वीडियो रन कर देता है, चैनल रन कर देता है, लेकिन वो वाला चैनल कभी भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। कैटेगरी फाइव, मूवी शो स्क्रीन कॉम्प्लाई वीडियो चैनल। मतलब कुछ कुछ चैनल में क्या होता है, कुछ कुछ वीडियो होता है, कुछ कुछ मूवी का कटिंग करके पार्ट पार्ट करके एक वीडियो बना के छोड़ देता है, उसमें वॉइस का थोड़ा इधर उधर कर दिया, लेकिन कोई ह्यूमन वॉइस उसमें नहीं है। लेकिन आप अगर कुछ सिनेमा का क्लिप लेके आपका खुद का वॉइस देके कुछ एक्सप्लेन करते हो, तो वो वाला चैनल आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा। लेकिन ऐसा टाइप चैनल जिसमें ह्यूमन वॉइस नहीं है, सिर्फ मूवी का क्लिप है, तो वो वाला चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। कैटेगरी सिक्स, स्पोर्ट्स इन कॉम्प्लाई वीडियो चैनल। मतलब आप कुछ स्पोर्ट्स का क्लिप कट कट करके, जैसे मूवी में बोल रहा था, कोई वॉइस ना देके चैनल रन कर लो, तो वाला चैनल कभी आपका मोनेटाइज नहीं होगा। कैटेगरी सेवन, सॉन्ग कलेक्शन और कॉम्प्लाइन चैनल। मतलब क्या होता है, कोई एक बैकग्राउंड देके उसमें सॉन्ग देके छोड़ दिया, 10-20-25 सॉन्ग देके छोड़ दिया, तो उसमें सिर्फ बैकग्राउंड में एक इमेज आ रहा है और सॉन्ग चलते जा रहा है, उसमें वॉच टाइम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा आदमी ऐसा सॉन्ग सुनना पसंद करता है, लेकिन सब्सक्राइब भी आ जाएगा, तो वो वाला चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ चैनल नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। कैटेगरी एट, मूवी और म्यूजिक चैनल विथ मॉडिफाई। कुछ मूवी को आप थोड़ा फास्ट करके या म्यूजिक को थोड़ा घुमा फिरा के आप अगर कोई चैनल करते हो, उसमें आपका कुछ वॉइस नहीं है, ह्यूमन वॉइस नहीं है, वो वाला चैनल कभी भी आपका एलिजिबल नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन स्टेटस आपका यहाँ पे नॉट एलिजिबल।
कैटेगरी 9 वीडियो मेड विथ ऐप और सॉफ्टवेयर, मतलब कोई एनिमेटेड वीडियो आप ऐसे बना के कुछ वॉइस ह्यूमन वॉइस ना दे के जैसे छोड़ दिया, तो वाला टाइप का चैनल आपका कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। कैटेगरी 10, यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल विथ 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। यूट्यूब में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो उसमें फर्स्ट अगर स्ट्राइक आ जाएगा तो वो 90 डेज के बाद ऐसे ही कॉपीराइट उठ जाता है, लेकिन फिर अगर और एक स्ट्राइक आ गया तो वो वाला चैनल मोनेटाइज होगा भी तो डीमोनेटाइज हो जाएगा। और अगर आपका मोनेटाइज होने से पहले ही आपके पास 2 आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, वो चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो वाला चैनल पहले ही कम्युनिटी गाइडलाइन का जो रूल्स है उसका वायलेंस कर चुका है। और 3 स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल तो मतलब रिमूव भी हो जाएगा यूट्यूब से, यूट्यूब खुद कर देगा 3 स्ट्राइक आ गया तो। तो जो 10 कैटेगरी में आपको बोल रहा था, ये 10 कैटेगरी का चैनल कभी ज़िंदगी में आपका मोनेटाइज नहीं होगा।